एक सेकंड, अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा, दिल तोड़ दिया यार तुमने, मैक्रो डेप्थ देके, जिसको मैं यूज भी नहीं करूंगा, ना ही हमारे कस्टमर करेंगे, सॉरी हमारे सब्सक्राइबर करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है वन प्लस नोट सीई टू लाइट 5G, ज्यादा बड़ा नाम नहीं है तुम्हारा, वर्सेस रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन। और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि वन प्लस के अंदर हमें 6.59 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एक सेकंड, IPS LCD दे रहे हो यार तुम, उम्मीद नहीं थी भाई तुमसे तो यार। और वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। मजा आ गया बोलते हुए भी कि सुपर AMOLED मिल रही है भाई। यानी कि दोस्तों अगर आपको अच्छी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहाँ पर Redmi की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की, तो वन प्लस फोन के अंदर है 401 PPI की, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन के अंदर है 395 PPI की। और साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो 20:9। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि वन प्लस का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में वन प्लस का फोन ही विनर है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों चिपसेट की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। चिपसेट दोस्तों ठीक है, यहां पर अच्छा चिपसेट यूज किया गया। अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो आप ठीक-ठाक गेमिंग इस चिपसेट से कर पाएंगे, मतलब हाई एंड लेवल नहीं बट बढ़िया गेमिंग आप कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन के AnTuTu स्कोर की, तो यहां पर OnePlus फोन का आता है 375,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का आता है 402,000 के करीब। यानी कि दोस्तों यहां पर AnTuTu स्कोर के मामले में Redmi का फोन ही विनर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों OnePlus की, तो OnePlus के फोन का मेन कैमरा है 64 MP का, मैक्रो कैमरा है 2 MP का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 MP का। एक सेकंड, अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा, दिल तोड़ दिया यार तुमने, मैक्रो डेप्थ देके, जिसको मैं यूज भी नहीं करूंगा, ना ही हमारे कस्टमर करेंगे, सॉरी हमारे सब्सक्राइबर करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों आपको बता दूं कि बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर Redmi का फोन ही विनर है, क्योंकि भाई उन्होंने हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया है, इनकी तरह नहीं मजाक ही कर दिया यार मैक्रो डेप्थ देके। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें EIS टेक्नोलॉजी दी गई है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 4K का कोई भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि चिपसेट सपोर्ट नहीं करता। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से तो भाई यहां पर दोनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं बैटरी की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग में हमें यहां पर फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि OnePlus का फोन यहां पर सिर्फ 33 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन 67 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भाई ज्यादा होती है सच में। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना ना, तब आप Redmi की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं NFC सपोर्ट की, तो यहां पर OnePlus का फोन NFC को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन NFC को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों 3.5 mm जैक की। जी हां दोस्तों, हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की, तो यहां पर OnePlus फोन के अंदर हमें सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। प्रीमियम है ना, इसलिए सिंगल दे रहे हैं,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप गानों का अच्छा मजा लेना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर Redmi की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को भी मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि OnePlus फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 19,999 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 18,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, OnePlus को या Redmi को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना ओपिनियन दूं दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो भाई मैं तो यार यहां पर Redmi की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी अच्छे-अच्छे स्पेसिफिकेशंस हमें मिल रहे हैं OnePlus के मुकाबले। बस हमें एक जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एंड्रॉइड 11 के साथ में आ रहा है। कर लेना यार कॉम्प्रोमाइज, कम से कम बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन तो मिल रहे हैं आपको। और बाकी दोस्तों स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।